गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इसके पहले के वीडियो में हमने कर चले अंकिता पाठ पर आधारित प्रश्नों को बखूबी से देखा, उसके मौखिक चर्चाएं भी हमने और लिखित रूप भी देखे। परंतु विद्यार्थी, इस साल से काव्य पर आधारित इस साल से बहुविकल्पिक प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे कि बहुविकल्पिक जो प्रश्न है उसके रूप में यह प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। विद्यार्थी, यहां यह ध्यान देना है कि आपको कविता की लाइनें दी जाएंगी, आपको कविता की लाइनें पढ़ करके और प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होता है और ये विकल्प के रूप में है। ये प्रश्न जो है 2012 में पूछा गया, 2012 में इस कविता पे आधारित यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न का जो प्रारूप है, काव्यांश को पढ़कर, काव्यांश को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के या सही विकल्प को चुनकर लिखे या प्रश्नों के उत्तर आपको चुनकर लिखना होता है। कविता की लाइनें कर चले हम विदा कविता से है, खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन सा। यह कविता का अंतिम पद था, उसमें ये पांच प्रकार के प्रश्न 2012 के बोर्ड प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। तो उसका हम ये उदाहरण के रूप में इसको हल करते हैं। बाकी काव्य की पंक्तियों पर भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कविता के पंक्तियों को बारीकी से घर पर पढ़ते रहें और उसके अर्थों को समझते रहें। तो पहला प्रश्न था विद्यार्थी, कविता में रावण किसका प्रतीक है, कविता में रावण किसका प्रतीक है। तो उसमें शब्द था बुराइयों का, राक्षसों का, शत्रुओं का और दत्तात्रेय का, ये चार विकल्प दिए गए थे, ये चार विकल्प आपको दिए गए थे। तो इसमें विद्यार्थी सही उत्तर क्या होगा, इसमें सही उत्तर होगा शत्रुओं का, कौन सा होगा शत्रुओं का। तो यहाँ रावण जो है शत्रुओं के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न है, जमीन पर खून की रेखा खींचने का तात्पर्य, जमीन पर खून की रेखा या खून की रेखा खींचने का क्या तात्पर्य है, तात्पर्य का मतलब इसका क्या अर्थ है। चार विकल्प दिए गए थे विद्यार्थी, विकल्प को सुनिए, अपने खून से धरती को सींचना, पहला विकल्प था अपने खून से धरती को सींचना, दूसरा है हिंसा और मारकाट मचाना, तीसरा है बलिदान देकर भी शत्रु को रोकना, और चौथा विकल्प था खून की नदी बहाना। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा विद्यार्थी, तीसरा, कौन सा, बलिदान देकर भी शत्रु को रोकना। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन होगा बलिदान देकर भी शत्रु को रोकना, ये सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न विद्यार्थी दिया गया था कि सीता का दामन का आशय है, सीता का दामन से क्या मतलब, आशय का अर्थ होता है क्या मतलब है। उसके विकल्प आप सुनिए विद्यार्थी, देश की आन बान, पहला विकल्प दिया देश की आन बान, दूसरा है देश की शान, तीसरा है देश का सम्मान और चौथा है देश की सीमा। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा विद्यार्थी है, इसका सही उत्तर होगा देश का सम्मान, इसमें भी तीसरा ऑप्शन सही होगा, ये हो जाएगा देश का सम्मान। तो सीता का दामन जो है वो पवित्रता का प्रतीक है, इसका प्रतीक है पवित्रता का, सम्मान का प्रतीक है। तो यहां सीता का दामन देश का सम्मान,
यह सही उत्तर होगा, यह सही विकल्प होगा। चौथा है, देशवासियों को राम लक्ष्मण कहा गया है, देशवासियों को राम लक्ष्मण कहा गया क्योंकि, तो चार विकल्प दिए गए विद्यार्थी, तो इसमें विकल्प सुनिए कि सब देश की रक्षा में लगे हैं, सब देश की रक्षा में लगे हुए हैं। दूसरा विकल्प, सबको देश की रक्षा करनी चाहिए, सब परस्पर भाई हैं। और चौथा है, सबके हाथों में देश सुरक्षित है। इसका सही उत्तर क्या होगा, सबको देश की रक्षा करनी है। दूसरा ऑप्शन, सबको देश की रक्षा करनी है, ये सही उत्तर हो। देशवासियों, राम लक्ष्मण देशवासियों की है, जैसे राम लक्ष्मण ने सीता की इज्जत बचाए, वैसे ही सभी देशवासी जो है, सभी राम लक्ष्मण है, उसको देश की सम्मान के लिए उसकी रक्षा करनी चाहिए। पांचवा उत्तर है, साथियों शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया या किसके लिए हुआ। चौथा पांचवा प्रश्न जो विद्यार्थी है कि साथियों शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो उत्तर विकल्प सुनिए विद्यार्थी, देश के देशवासियों के लिए, सैनिकों के लिए, युद्ध क्षेत्र में लड़ने वालों के लिए, शत्रुओं के लिए। तो आज के संदर्भ में क्या है, देशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए। तो इस प्रकार की पांच अंक के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न जो कविता पर आधारित होंगे। तो यह एक उदाहरण के रूप में आपको मैंने इस पाठ से संबंधित जो बोर्ड में पूछे गए थे वो मैंने समझाया। बाकी के कविता से आधारित आप प्रश्न को इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे।